हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। नूरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रगड़ा। जी हाँ, झट से बन जाएगा आपका रगड़ा और खाने में भी इतना टेस्टी है। चलिए इसे बनाते हैं। मैंने लिया है कुकर, उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है हमारे वटाने। वटाने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, फिर ऐड करेंगे टमाटर, उसके बाद हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची। हरी मिर्ची ऐड करने के बाद हम उसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जीरा पाउडर। जीरा पाउडर जैसे मैंने ऐड कर दिया है, उसके बाद हम ऐड करेंगे नमक। नमक आपका स्वाद अनुसार होना चाहिए, आपके हिसाब से आपको जितना चाहिए। फिर मैं ऐड करूँगी प्याज, उसके बाद मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद मैं उसे अच्छी तरीके से चला देना है, एकदम अच्छी तरीके से। अब उसे सीटी लगने देना है। बहुत ही ईजिली बनेगा, देख लीजिए। और फिर जैसे देखिए हमारा रगड़ा रेडी हो गया। अब उसके अंदर कुछ चीज़ें डालते हैं। इस तरह से देखिए अच्छी तरीके से हो चुका है। अब कुछ चटपटी चीज़ें डालते हैं। जैसे मैंने इधर लिया है चाट मसाला। आप चाहे तो इमली का पानी, कोकम का पानी, जो भी आपको खट्टे में चाहिए आप डाल सकते हैं। फिर मैं इसे अच्छी तरीके से चला दूँगी। अब ऐड करूँगी मैं धनिया। धनिया डालने के बाद मैं उसे अच्छी तरीके से वापस चला दूँगी। अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर। फिर डाल देंगे अच्छी तरीके से और फिर उसे चला लेंगे। उसके बाद हमारा रगड़ा रेडी हो गया है। अब हम उसको सर्व करेंगे एक बाउल में। अब हम रगड़े को थोड़ा गार्निश कर लेंगे। तो हमने डाल दिया है प्याज, फिर मैंने डाल दिया है टमाटर, उसके बाद मैं डाल दूँगी कोथमीर। और फिर देखिए हमारा रेडी हो गया है रगड़ा, वो भी कितने झटपट से। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। आपके कमेंट ही मुझे बताएंगे मेरी रेसिपी कैसी बनी है।